नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेलजन बायोटेक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम आपको प्लांटिंग किस तरह से करना होता है बड़े प्लांटर में, उसके बारे में हम बताएंगे। तो बेसिकली हमारे कुछ प्लांट्स थे जो ऑलरेडी हमने USA ला करके एक प्लांटर में लगाए थे, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो वो लेमन्स हैं और वो शिफ्ट होना मांग रहे हैं कुछ से बड़े प्लांटर में। तो ये बेसिकली मेरे बैकयार्ड एरिया में हम लोग हैं और मैं जैसे आपको आज पूरा प्लांट किस तरह से इसको हमको प्लांटर में डालना होता है वो आज पूरा इस वीडियो के मार्फत आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस वीडियो में जो हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं क्लेमोंडिन, जो कि आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरे यहाँ रखा हुआ है। क्लेमोंडिन इज अ ऑर्नामेंटल सिट्रस प्लांट जो कि खूबसूरती के लिए भी इसको लगाया जाता है घर में और फ्रूट्स भी आते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली दोस्तों ये हम लोगों ने USA सोर्स किया था और ये काफ़ी एक रेपुटेटेड नर्सरी है US की, वहाँ से हमने इसको लाया था। इट्स कैलमोंडिन ऑरेंज और ये जो है 2020 में हम लोगों ने ला करके इस प्लांटर में लगाया हुआ था, लेकिन आज ये बड़े प्लांटर में शिफ्ट होना जा रहा है। और इसी के साथ जो हम दूसरा प्लांट शिफ्ट करेंगे दैट इज़ मायर लेमन। तो मायर लेमन भी जो मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि हम लोग ने एक हमारे पास मदर प्लांट है जो कि हम लोग US से लेकर के आए थे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने उसको पुराने प्लांटर में से निकाल के रखा हुआ है और अब मैं उसको बड़े प्लांटर में डालूंगा और आपको उसका रिजल्ट्स दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो है हम लोग एक वैलेंसिया लेट को भी जो है बड़े प्लांटर में लगाएंगे और उसको हम ये देखेंगे कि प्लांटर में लगाते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से उसको करना चाहिए। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में जो है हम लोग कुछ मटेरियल्स जो यूज़ करने वाले हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जनरली लोग वहाँ पेबल्स यूज़ करते हैं, आजकल मिट्टी के सॉइल के जो है पेबल्स बनाए जाते हैं, वो भी अच्छा होता है क्योंकि ठंडक रखता है, वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं बॉटम में टॉप लेयर के रूप में। तो लेकिन मेरे पास अभी पेबल्स नहीं है तो मैं इस वक्त जो है ये स्टोन ब्लास्ट यूज़ करने वाला हूँ। ये 40 mm के आसपास है और सॉरी ये जो है 20 mm के आसपास है और इसको मैं इसमें एज अ लेयर के रूप में नीचे यूज़ करूँगा। उसके बाद जो है मेरे पास ये राइट सॉइल है, राइट सॉइल में मैंने जो है FYM यूज़ ना करते हुए जो है इसमें कुछ हमारा स्पेशल मीडिया है जो कि हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं आफ्टर, इसमें FYM भी रहता है, कुछ कंपोस्ट किया हुआ है, दूसरे कंपोनेंट्स रहते हैं। इसके साथ साथ जो हम लोग यूज़ करेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है वर्मी कंपोस्ट, तो ये दोस्तों नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट नहीं है। बेसिकली हम लोग एक टिश्यू कल्चर लैब के साथ साथ एक बायो लैब भी चलाते हैं, उसके अंदर हम लोग काफ़ी जो है आपके बैक्टीरियाज डेवलप करते हैं। जस्ट लाइक आप देखेंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट है और वर्मी कंपोस्ट को हम लोगों ने एनरिच किया हुआ है विद बायो NPK, बायो जिंक, बायो PSB, बायो माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड भी इसके अंदर हम लोगों ने डाला हुआ है। तो ये बैक्टीरियाज जो है माइकोराइजा, PSB, NPK, ZSB के हम लोगों ने इसके अंदर एनरिच किए हुए हैं, जिससे नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट में तो सिर्फ केचुओं की खाद रहती है जिसको हम लोग केचुए से कंपोस्ट करके आपको सर्व करते हैं, उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, लेकिन ये एडेड बैक्टीरियाज इसके अंदर हम लोगों ने डाले हुए हैं जो कि मॉइस्चर में सर्वाइव करते हैं और इस बैग के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर हम लोग मेनटेन करते हैं। इस तरह से ये बढ़िया शानदार पैकिंग में रहता है, इसके अंदर भी एक और पतली पैकिंग रहती है जिससे इसका मॉइस्चर रिड्यूस ना हो और इसके अंदर जो सारे कॉम्पोनेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे जो कम्पोनेंट्स हैं यहाँ पूरे दर्शाए गए हैं और ये एडेड हमने इसके अंदर एडिशन डाला हुआ है वो भी है। और क्या इसको कितनी मात्रा में यूज़ करना है ये पूरा का पूरा इस बैग के जो डिस्क्रिप्शन में सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हो। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम लोग ये मेरे कुछ असिस्टेंट्स हैं मेरे को मदद करेंगे, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा ये स्टोन इसके अंदर डलवाता हूँ तो और आपको दिखाता हूँ कैसी प्रोसेस हो रही है ये। तो दोस्तों ये प्लांटर है और लगभग 24 इंची प्लांटर्स हैं ये, तो इसमें जो है हम लोगों ने ये थोड़ा थोड़ा सा ये ब्लास्ट डाल दिया 20 mm और इसके बाद जो है अभी इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ ये वर्मी कंपोस्ट जो हमारा कंपोनेंट है इसको यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको बताया ये डबल प्लास्टिक के अंदर रहता है, आप देख सकते हैं कितनी फाइन क्वालिटी का है, क्वालिटी आप देखेंगे दोस्तों, देखो कितनी शानदार क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है, आप देखेंगे कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आ रहा है, कितना बढ़िया इसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट जिसको एक्चुअल बोलते हैं वो है ये।
और इस तरह से जो है ये कंपोस्ट हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। और ये मैंने आपको बताया कि सारे बैक्टीरिया से एनरिच है, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि आप जनरली बाकी बायो प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं डालने के लिए, लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर हम लोगों ने एनरिच किए होते हैं। तो जब आप प्राइमरी या प्लांटर करते हैं तो आपको एडिशनल बायो फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ भी इसको कर सकते हैं। तो इससे हम इसको हम एक थोड़ी सी लेयर जो है डाउन लेवल पर डालेंगे, जो जैसे मैंने ये स्टोन्स डाले हैं ब्लास्ट इसके ऊपर। अब आप देखेंगे दोस्तों, इसको इस तरह से हम लोगों ने पूरा बढ़िया तरीके से कर लिया, और ऐसे ये दूसरे प्लांटर्स में भी जो है हम लोग स्टोन डालते हैं, इससे आपको पूरी प्रोसेस दिखती रहे। इसी प्रकार इस प्लांटर में भी डालते हैं। तो दोस्तों प्लांटर बड़े प्लांटर्स हैं ये, जैसे 24 इंची प्लांटर्स हैं। प्लांटर्स में जब भी आप अगर कोई प्लांट्स लगाते हैं तो सॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्लांट के डेवलपमेंट में पूरा का पूरा रोल होता है वो सॉइल का होता है। तो सॉइल हमको कोशिश करना चाहिए डिसीज फ्री हो, क्वालिटी सॉइल हो, क्योंकि सॉइल की भी स्पेशल टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से सॉइल आजकल डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद अपना सॉइल ख़राब कर लिया है फर्टिलाइजर्स को डाल करके। तो आज ये नौबत आ गई है कि हमको जो है सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स डालने पड़ रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सॉइल को हम अच्छा बना सकें, कंपोस्टेबल हो। नहीं तो पहले हमको ये सब चीज़ें नेचर देता था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि सारी चीज़ें हमको एडिशनल पेमेंट करके एडिशन खर्चा करना पड़ता है हर चीज़ में, और तब हम ये चीज़ ले पा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमको काफ़ी हमारे प्लांट को उसको कंटिन्यूस आने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोगों ने उनको इतना फर्टिलाइजर्स का आदि बना दिया है। दोस्तों अब जो है थोड़ा सा ये रेड सॉइल जो हमने मीडिया है, क्योंकि रेड सॉइल इज़ गुड फॉर प्लांटिंग, तो आप देखेंगे ये रेड सॉइल हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर। अब इसके बाद जो दोस्तों बड़ा वाला प्लांटर है वो लेकर के आएंगे हम लोग और इनके अंदर डालेंगे, जिससे कि वो ऑलरेडी सॉइल और मीडिया उसके अंदर है और वो सेट हो जाए, क्योंकि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जिससे उसकी मॉर्टिलिटी हमको देखना है कि इतना बड़ा प्लांटर है ऑलरेडी, ये 2021 में हम लोगों ने इनमें लगाया हुआ था डायरेक्टली, ये बहुत छोटे प्लांट्स हम लोग यूएसए लेकर के आए थे, और अब चूँकि वो प्लास्टिक ग्रो बैग में था तो वो प्रॉपरली नहीं निकला, क्योंकि जनरली इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उनके अंदर रूट्स जब निकालते हैं हम लोग ट्रांसप्लांट करने में तो डैमेज हो जाती हैं। अब दोस्तों ये जैसे मैंने इसको अभी इसमें और सॉइल डालना पड़ेगा, तो क्योंकि मुझे जो उम्मीद थी तो हम लोग कुछ सॉइल अब चूंकि अब पूरा नया डाल रहे हैं तो बाकी सॉइल भी हम फ्रेश ही यूज़ करेंगे पुराना डालने की जगह, तो इसलिए हम लोग अभी जो नीचे का सॉइल है इसको क्वांटिटी और बढ़ाते हैं इसके अंदर। और डालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा वर्मी की लेयर और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग। बस अब जो है ये प्लांटर है उसके अंदर हम डालेंगे, अब जो है ये प्लांट है इस प्लांटर के अंदर डालेंगे, तो इसको टोटल ये रखते वक्त थोड़ा सा इसका लेवल भी बैलेंसिंग करना होता है कि आड़ा टेढ़ा ना रख जाए, नहीं तो फिर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। अब इसके जो चारों तरफ जो खाली एरिया रह गया है उधर पे हम लोग जो है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को फिलअप कर देंगे, जिससे ये धीरे धीरे जो है अपना क्योंकि अब इसको हमने शिफ्ट किया है, कुछ दिन ही स्टॉक में जाएगा प्लांट और फिर धीरे धीरे अपने नई जगह में अपने आप को एस्टेब्लिश इसके रूट्स करने लगेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने इसको काफ़ी चीज़ों से एनरिच किया हुआ है, और आप देख भी सकते हैं कितनी फाइन क्वालिटी का इसका जो टेक्सचर आ रहा है इसके मीडिया का, और कितना शानदार पूरी तरह कंपोस्ट है, और जो बेसिकली जो है
मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो इसके अंदर डाले हुए हैं, जो मल्टी बायो बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया, वो बैक्टीरिया जो है उनको मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है। और बेसिकली हम लोग दोस्तों एक चीज़ और यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बायो के प्रोडक्ट्स में स्मेल्स आती है, गंदी आती है, क्योंकि जनरली जो होम गार्डनिंग और बैकयार्ड गार्डनिंग में लोग वह काम करते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उन लोगों को स्मेल्स ना आए। तो उसके लिए हमारे वर्मी कंपोस्ट जो है बिल्कुल ये आउटडोर लेस है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं आ रहा। और स्पेशली हम लोग इसके जो बैक्टीरिया जो इसमें डालते हैं, उसके लिए हम लोग उन बैक्टीरिया को भी उनको एक फूड न्यूट्रिएंट देना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो काफ़ी कुछ तो ये वर्मी कंपोस्ट में मिलता है। जनरली लोग बाग जो है बायो वेस्ट इस तरह के, या फिर आउटडोर जिसमें बदबू आती है, उस तरह के जो है मीडिया यूज़ करते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए बैक्टीरियाज को। लेकिन हम लोग इसके लिए रोज़ जो टेम्पल्स में या फिर जो शादी में जो वेस्ट होता है रोज़, उसको हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग कंपोस्ट करके उसका लिक्विड मीडिया बनाते हैं, और उस मीडिया में इस बैक्टीरिया को जो हम लोग ग्रोथ करते हैं। तो इससे इस कारण जो है ये हमारे वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें बिल्कुल भी बदबू या स्मेल आप देख सकते हैं नहीं आ रही, और मैं काफ़ी अच्छा इसमें है, आउटडोर लेस है। और जो भी सोफेस्टिकेटेड लोग रहते हैं फैमिलीज में, घर में, जो कि इनको होम गार्डनिंग का शौक है, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स अपने गार्डन्स में प्लांट्स को थ्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने बताया। अब इसके बाद में जो कैलमोंडिन है, मैं कैलमोंडिन को डालता हूँ। कैलमोंडिन ऑलरेडी बड़े प्लांटर में है, तो मैं पहले सॉइल डालता हूँ इसके अंदर, उसके बाद फिर आपको उस बड़े प्लांट को उसके अंदर शिफ्ट करूँगा। तो अब दोस्तों ये देखेंगे कि ये प्लांट आप देखेंगे कि ऑलरेडी प्लास्टिक के प्लांटर था, जनरली जो हमारे पेंट के वेस्ट होते हैं उस तरह में था। तो आप देखेंगे इसका कितना बढ़िया जो है ये निकल रहा है। जनरली ग्रो बैग्स जो स्मॉल रहते हैं फैब्रिकेटेड, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसमें मेरे को थोड़ी सी नीचे सॉइल और डालना पड़ेगी इसको उठाने के लिए, जिससे ये तो आप दोस्तों देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली आ गया है, और हमको इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट थोड़ा सा शॉक में जाएगा, क्योंकि इसको दूसरे प्लांटर में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसकी खाली जगह को जो है हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट से फिल कर देंगे। थोड़ा सॉइल डालो इसमें। इसके बाद दोस्तों इनके ऊपर भी अगर जैसे कुछ लोग होते हैं पेबल्स लगा देते हैं, तो आपके पास अगर स्टोन पेबल्स हैं आप वो लगा सकते हैं, आपके पास क्ले सॉइल के जो पेबल्स हैं वो भी आप इनके ऊपर डाल सकते हैं। तो वो जनरली कुछ जो वीड्स होते हैं, जनरली ये वर्मी कंपोस्ट तो पूरी कंपोस्ट होता है, सारे जो वीड्स होते हैं वो कंपोस्ट हो चुके होते हैं, तो उसके अंदर वीड्स आने का सवाल नहीं होता। लेकिन फिर भी गंदगी ना हो इसके लिए जो इस पर स्टोन पेबल्स क्ले पेबल्स जो है लगाए जा सकते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा ये बेसिकली मायर लेमन और कैलमोंडिन मैंने एक्चुअल में इसलिए भी शिफ्ट किए हैं, क्योंकि मेरे को ये मेरे घर के बाहर एज अ लेमन, क्योंकि ये इट्स इसको इंडोर प्लांट भी कह सकते हैं, आप इंडोर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने घर के पास इसको लगा सकते हैं, खूबसूरत भी होता है, क्योंकि जब इन इनके अंदर फ्रूट्स आते हैं एक सिट्रस की बड़ी शानदार खुशबू आती है, जो कि एक अलग ही आपको नेचुरल फ्रेगनेंस देती है आपको। उसके लिए ये प्लांट्स को जो है आप जब सीज़न पे जब ब्लूम करते हैं उनको आप अपने इंडोर भी रख सकते हैं या घर के आसपास रख सकते हैं, जिससे जो सिट्रस का जो नेचुरल अरोमा होता है वो आपको फील होता है। तो दोस्तों बेसिकली कैलमोंडिन इज़ अ वैरायटी फॉर ऑर्नामेंटल दीज एक्टिविटीज़, लाइक आपको इसकी जो स्मेल लेना है, खुशबू लेना है, आप उस इसकी फ्रेगनेंस को फील करने के लिए इसको अपने आउटडोर या फिर घर के बाहर इसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट करके लगा करके रख सकते हैं। इसी तरह से मायर लेमन भी है, जब मायर लेमन सीज़न में आता है साल में एक बार, तो तब ये भी दोस्तों काफ़ी खुशबू कर जब ब्लूम करता है उस वक्त इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और जैसे आप देख सकते हैं कि अभी इसमें एक फ्रूट भी है, और ये अभी शायद इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा राइप होने में, तो ये हालांकि इसके अभी हम लोगों ने प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए हैं और जल्दी हमारी वेबसाइट पर लिस्ट हो जाएंगे। तो
ये मायर लेमन, कैलमोंडेन, नेवल ऑरेंज की जो दूसरी वैरायटीज हैं, पाल्मर नेवल ऑरेंज, कारागारा नेवल ऑरेंज और आपका डब्लू मरकॉट, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स अभी कुछ समय बाद जो है हमारे वेबसाइट पर लिस्ट हो जाएंगे, तो आप लोग जो है डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो सिट्रस के प्लांट्स हैं हमारे वैलेंसिया, हम लोग डायरेक्टली लैब में प्रोपागेट भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो एक स्पेशल रूट स्टॉक है जो कि हम लोगों ने यूएस से सोर्स किया है, इसको बोलते हैं X639, इज़ अ वेरी रिकमेंडेड हेल्दी रूट स्टॉक। X639 की बहुत विशेष क्वालिटीज़ हैं, आप इसको गूगल पर सर्च कर भी सकते हैं। ये सिट्रस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसकी जो लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, ये बीमारियों को रेसिस्ट करता है। जनरली जो सिट्रस की में बीमारियाँ अडाप्ट होती हैं सॉइल से, उससे ये प्लांट जो है काफ़ी रेसिस्टेंस करता है कंपेरेटिवली और अदर वेराइटीज़। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी वेराइटीज़ के जो रूट स्टॉक हैं वो ख़राब हैं, लेकिन उनसे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और इतना एक्सक्लूसिव है, और ये हम लोगों ने इंडिया में तो अवेलेबल होता नहीं है, हमने इसको यूएस से सोर्स किया था, उसके बाद इसको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर 2 साल हमने रिसर्च करी, उसके बाद जब ये हमको एक्सप्लांट इनिशिएशन के बाद सक्सेस होने के बाद इसका जब हमको रिजल्ट मिला, तो आज हम लोग इसके रूट स्टॉक्स बना पा रहे हैं, और उन रूट स्टॉक्स पे जो सिट्रस की वेराइटीज़ हैं उनको हम लोग ग्राफ्ट करते हैं, जिससे एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमारे कस्टमर्स को हम दे सकें। तो दोस्तों इस तरह से जो हम लोग सिट्रस में वेराइटीज़ में काम कर रहे हैं, और दोस्तों सिट्रस के कुछ प्लांट्स हमारे कॉस्टली भी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके मदर प्लांट की अवेलेबिलिटी हमारे पास अभी कम है, जिसके कारण जो है हमारे पास ग्राफ्टिंग के लिए जो मटेरियल साइंस होता है वो हमको बहुत कम मात्रा में मिल पा रहा है, और चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं इसको दिन पे दिन इंक्रीज़ करने की, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है। अभी आप चाहें कि एक साथ फैक्ट्री नहीं है कि आपने मशीन में माल डाला और प्रोडक्शन शुरू हो गया, इसको आपको प्रोडक्शन बढ़ाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आज जो हम आपको दे पा रहे हैं उसके लिए भी हम लोग 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे, जो आज हम आपको आउटपुट निकल पा के दे पा रहे हैं। तो दोस्तों इस कारण जो है हमारे प्रोडक्ट्स जो सिट्रस की स्पेशल कुछ वेराइटीज़ हैं, सिलेक्टेड वेराइटीज़, कॉस्टली हैं वो, और बाकी ये बायो के भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत रीजनेबल हैं। अगर बल्क पैकिंग में आप जाते हैं तो इस तरह का आपको क्वालिटी प्लांटिंग वर्मी कंपोस्ट जो है काफ़ी, जैसे ये बैग है ये काफ़ी कॉस्टली नहीं है, 30 kg इसकी क्वांटिटी रहती है, और 5 kg की पैकेजिंग में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 30 kg लेकर के आप एक बैकयार्ड गार्डनिंग में, या फिर आपका बालकनी का कोई गार्डन है या रूफटॉप गार्डन है, तो उसमें आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी डिमांड के हिसाब से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे और बायो लिक्विड बायो प्रोडक्ट्स हैं, तो दोस्तों वो सारे बैक्टीरिया जो उनके होते हैं वो हम लोग फ्रेशली हमारी लैब का जो बायो सेक्टर है, बायो फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट का, उसके अंदर हम वो बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं और फ्रेशली पैक करके जो है अपने कस्टमर्स को देते हैं, जिससे वो बैक्टीरियाज आपके पास जो पहुँचते हैं हमारे लिक्विड मीडिया के अंदर जिसको आप यूज़ करते हो, तो वो अपना एफिशिएंसी जो है दिखा पाते हैं प्लांट की ग्रोथ में, और जो भी आपके सॉइल में जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको पूरी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कोशिश करी है बताने की कि किस तरह से ये प्लांटर को मैं बड़े प्लांट्स को प्लांट किया जाता है। अभी आज मैं आपको अभी वैलेंसिया लेट की जो वैरायटी है, जो कि हमारा X639 रूट स्टॉक पे हम लोगों ने ग्राफ्टेड है हमारा जो ये प्लांट, इसको भी हम लोगों को लगाना है, लेकिन अभी इसको मैं बड़े प्लांटर में ना लगाते हुए थोड़े छोटे प्लांटर में लगाऊंगा, फिर इसकी ग्रोथ जैसी जैसी होगी आपसे उसकी क्वालिटी शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस तरह के प्लांट्स, बायो फर्टिलाइज़र्स आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, ये सब आपको ऑनलाइन प्रोसीजर पर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके अलावा इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस चैनल में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।